झंझरी ब्लॉक के अंतर्गत थाना मोतीगंज क्षेत्र में आने वाले ग्राम सभा नौबरा में स्थित कंपोजिट विद्यालय में लगभग 2 दर्जन लोग क्वारंटाइन हैं। आपको बताते चले कि यह लोग दिल्ली, लुधियाना, मुंबई आदि अन्य प्रदेशों से आए हुए हैं। इस विद्यालय में क्वारंटाइन हुए लोगों का कहना है कि विद्यालय में ना तो बिजली है और विद्यालय में बड़े बड़े घास व गंदगी भी है। विद्यालय में लगा हैंडपंप भी खराब था, जिसे क्वारंटाइन हुए लोगों ने ही बनवाया है। मोहम्मद सुलेमान की रिपोर्ट। यहाँ का प्रधान कौन है और क्या समस्या है? किस प्रदेश में रहते थे? लुधियाना में रहते थे। कब आए हैं यहाँ पर? आज ही आए हैं। आज ही नल कल सब खराब था, प्रधान की तरफ से कोई शासन हमें नहीं मिला है। अच्छा। ना कोई किसी का व्यवस्था यहाँ किया हुआ प्रधान ने। अच्छा। प्रधान से मांगने जाओ तो बोलते हैं कि यहाँ मंजी देंगे तो 1000 रुपया लेंगे, मंजी जो मर्जी तोड़ दो, मर्जी करो। अच्छा। उस मंजी का किराया लेना है। अच्छा। यहाँ के प्रधान कौन है? केशव राम वर्मा। यहाँ पानी पुनी का कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, पानी पीने की सुविधा नहीं है। हाँ। अच्छा, ये नल खराब था? नल खराब था। आज मिस्त्री आया है, मिस्त्री को सियाराम वर्मा ने मंगा के मिस्त्री को बुला के ठीक करा रहे हैं। सियाराम वर्मा कौन है? कुछ है यहाँ के? यहाँ के कुछ नहीं है। एक हमारे साथ में लुधियाने में रहते थे, वो आए हैं साथ में। अच्छा, वो किस गाँव के है? वो भी नौबरे गाँव के। अच्छा, नौबरा गाँव के। क्या नाम है आपका? सियाराम वर्मा। गांव कौन सा पड़ेगा? नौबरा। प्रदेश से आए हैं आप? हाँ, लुधियाना से आए हम। अच्छा, किस दिन आए हैं? आज आए हैं। आज तो आते हुए देखा मैंने कि नल में पानी नहीं आ रहा, नल खराब पड़ा हुआ है। यहाँ विद्यालय में? हाँ, विद्यालय में जो सब लोग वारंटी कर रखे हैं। यहाँ पर कितने लोग हैं? यहाँ पर 20 से 25 लोग हो गए आए हैं। अच्छा। और कुछ लोग तो गाँव में चले गए, प्रधान जी बोलते कि भाई अपने घर चले जाओ। अच्छा। यहाँ कोई सुविधा नहीं है। अच्छा। तो यहाँ की हालत खराब देख करके जो है मैं नल की व्यवस्था कर रहा हूँ। अच्छा, बस केवल पानी पीने के लिए ही समस्या थी? और पानी पीने के लिए समस्या थी, बाकी समस्या तो बहुत है। लाइट के पास चारपाई है लेटने के लिए, लाइट की व्यवस्था है। अच्छा। लाइट ये लोग बता रहे हैं मुझे कि अपने पैसों से लाकर तुमने लगवाया था। अच्छा। एक दिन कमरे में बता रहे हैं कि यहाँ सांप भी निकला था, लाइट नहीं थी उस टाइम। अच्छा। फिर ये लोग अपना पैसा लगवाए। अच्छा। प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था है यहाँ पर? प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, सारे लोग बता रहे हैं कोई व्यवस्था प्रशासन की तरफ से। और यहाँ साफ सफाई क्या है? साफ सफाई कुछ नहीं, आप देख लो सारी जगह गंदगी मिलेगी। अच्छा। ना यहाँ कभी झाड़ू लगता है ना कोई सफाई होती है। अच्छा। आने के बाद ये लोग बता रहे हैं कि सफाई करने आता है यहाँ पर और साफ सफाई कुछ नहीं करता है। वो पान खा के बाद चौराहे पे छुप के चले जाता है, यही कुछ और कोई काम नहीं। सफाई कर्मी कौन है? सफाई कर्मी अपना महसूरी 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 वो यहाँ आते हैं कभी, वही चौराहे पे बैठ करके स्कूल तक देखने नहीं आएंगे साफ सफाई हुई या नहीं हुई। स्कूल में सैनिटाइज छिड़काव हुआ है? कुछ नहीं हुआ स्कूल में, कोई व्यवस्था सैनिटाइज आज तक हुआ नहीं। अच्छा। ना ही किसी को मास्क दिया गया है। अच्छा। ना आज तक किसी यहाँ आने वाले को किसी को एक बिस्कुट देकर चाय पिलाया गया। अच्छा। बिस्कुट की बात अलग है, पानी तक नहीं है, खराब पड़ा हुआ है। अच्छा।